हेलो दोस्तों, डिटॉक चैनल में आपका स्वागत। दोस्तों, आज के स्टूडियो में बात करने वाले हैं पर्सनल लोन के बारे में। मैंने इस वीडियो में सारी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताई कैसे आप इजीली लोन ले सकते हैं, वो भी विदाउट डॉक्यूमेंट और एक लो इंटरेस्ट रेट पे। मैंने सारे चार्जेस इसमें बताए हैं, क्या क्या आपको चार्जेस लगेंगे, कितना प्रोसेसिंग फीस लगेगी, कितना इंटरेस्ट लगेगा, मैंने सारी डिटेल इस वीडियो में कवर की। इस वीडियो में लास्ट तक बनेगा। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में जो मैं पर्सनल लोन बताने वाला हूँ जो कि विदाउट डॉक्यूमेंट, उसके लिए आपके पास में ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड होना जरूरी है। उसके लिए आपको आई मोबाइल पे आपको लॉगिन करना है। यहाँ पे देखेंगे तो आपके यहाँ पे माई कार्ड ऑप्शन शो होगा। यहाँ पे टैप करेंगे तो आपके सारे क्रेडिट कार्ड यहाँ पे शो हो जाएंगे। यहाँ पे नीचे देखेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा लोन विथ इन क्रेडिट कार्ड लिमिट, जितनी आपकी क्रेडिट कार्ड है उसके आसपास यहाँ पे लोन ले सकते हैं। यहाँ पे टैप करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो ऑफर है यहाँ पे शो हो जाएगा। मेरी क्रेडिट कार्ड की लिमिट यहाँ पे 2.5 लाख है, तो यहाँ पे मुझे 2 लाख का ऑफर शो हो रहा है। इस टाइप से आप भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं, जितनी लिमिट रहेगी उसके आसपास यहाँ पे आपको ऑफर मिल जाएगा। नीचे में यहाँ पे अमाउंट सिलेक्ट कर सकते हैं, कितना अमाउंट आपको लेना है मैक्सिमम मिनिमम, और यहाँ पे आप टाइम पीरियड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जितना अमाउंट कम रहेगा यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ पे मैं देख सकते हैं 2 लाख है, उसमें 1 लाख सिलेक्ट किया तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे 14% है। अगर वही मैं 2 लाख यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे आप रेट ऑफ इंटरेस्ट देख सकते हैं 13% ही। तो इस टाइप से आपको यहाँ पे चेक कर लेना है, जहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको यहाँ पे जहाँ कम लग रहा है वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में जो बताने वाला हूँ, यहाँ पे 1 लाख में सिलेक्ट करके यहाँ पे लोन लेने वाला हूँ और प्रोसेस करके आपको दिखाने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ पे 1 लाख यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। इसके बाद में नीचे यहाँ पे मैं 12 महीने का यहाँ पे सिलेक्ट करने वाला हूँ, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं कितने महीने के लिए आपको लोन लेना है। नीचे में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चल जाएगा और EMI कितनी है यहाँ पे टोटल वो पता चल जाएगी। प्रोसेसिंग फीस दोस्तों यहाँ पे 1% लगती है, जो कि 1000 रुपये है, उस पर GST रहेगा। टोटल मैं अमाउंट आपको दिखा देता हूँ कितना आपको एक्स्ट्रा चार्जेस यहाँ पर आपको पे करना है। जैसे कि मैंने 1 लाख रुपये पे यहाँ पे मेरी जो EMI बन रही है 8979 × 12, यानी टोटल मुझे 7748 रुपये यहाँ पर इंटरेस्ट पे करना है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर एक्स्ट्रा में प्रोसेसिंग फीस रहेगी 1%, यानी 1000, यानी कि 8748 रुपये। तो ये टोटल यहाँ पर अमाउंट हो गया। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे 18% मुझे GST भी पे करना है। तो इस 8748 पे 18%, यानी कि यहाँ लगभग दोस्तों ये रहेगा 1575 रुपये के आसपास में। तो ये सारा ऐड करने के बाद में 10323 रुपये, यानी 20 रुपये के लगभग में मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा टोटल अमाउंट। इस टाइप से आपको भी दोस्तों, अगर आप 1 लाख का लोन ले रहे हैं तो आपको टोटल 10300 रुपये के लगभग में आपको पेमेंट पे करना पड़ेगा टोटल एक्स्ट्रा आपको 12 महीने में, यानी 1 लाख रुपये भी इतना अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। तो इस टाइप से आप चेक कर लें। इसके बाद में नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे आपको अपना अकाउंट लिख देना है जिस अकाउंट में आपको ये अमाउंट लेना है। उसके बाद में यहाँ पे प्रोसेस कर देना है। यहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, आपको जिस अकाउंट में आपको यहाँ पे इंटर किया हुआ आ जाएगा अमाउंट, मंथ जितना भी है, वो जो जो चार्जेस है EMI, वो सारी डिटेल यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। एक बार आपको चेक कर लेना है। इसके बाद में नीचे भी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी ये की फैक्ट है, यहाँ पे टैप करेंगे ना तो यहाँ पे आपको सारी डिटेल आ जाएगी, इतना अमाउंट है, कितना आपको इंटरेस्ट लग रहा है, प्रोसेसिंग फीस उस पर कितना अमाउंट है। और यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 1,10,320 टोटल अमाउंट यहाँ पे करना है। ये सारी डिटेल आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं 12 महीने के लिए, और पर मंथ यहाँ पे EMI भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कितनी रही है। तो वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे इस टाइप से शो हो जाएगी, यानी सबसे लो इंटरेस्ट मान सकते हैं दोस्तों 1 लाख पे सिर्फ आपको 10000 रुपये 1 साल का देना है। नीचे में आपकी सारी EMI आ जाएगी, ये आपकी डेट आ जाएगी EMI की, और कितना कितना आपको इंटरेस्ट देना है यहाँ पे रिड्यूसिंग रेट पे रहेगा आप देख सकते हैं, और जितना GST चार्जेस लगेगा वो सारा आप यहाँ पे सारी डिटेल देख सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आपको कंफर्म कर देना है, एक OTP आएगा। OTP आने के बाद में दोस्तों यहाँ पे जैसे ओके करेंगे तो यहाँ पे आपका लोन की प्रोसेस हो जाएगी। इस टाइप से SR नंबर मिल जाएगा आपको, साइट डिटेल आ जाएगी। अगर आपका ICICI का अकाउंट है जिसमें आपको अमाउंट लेना है तो तुरंत आपका जो अमाउंट आप लोन ले रहे हो वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। अदर आपका अकाउंट है तो यहाँ पे 2 से 3 दिन आपको प्रोसेस लग सकती है वो लोन में। जैसे मेरा 3 दिन में यहाँ पर मेरे SBI के अकाउंट में लोन अमाउंट आया। तो इस टाइप से आप इजीली प्रोसेस कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जब आप जाएंगे, आपको बिल पे करना है जो भी EMI, तो उसके लिए आपको यहाँ पे अपने स्टेटमेंट में जाएंगे तो यहाँ पे सारी डिटेल आ जाएगी। प्रोसेसिंग फीस जैसे 1000 लगी है, ये फर्स्ट टाइम एक ही बार लगेगी, उस पर जो भी GST 18% वो सारी डिटेल है। उसके बाद में नीचे जो EMI उसकी डिटेल रहेगी, इंटरेस्ट, और यहाँ पर 18% GST रहेगा। ये सारी डिटेल रहेगी जब भी आप लोन लेंगे। उसके बाद में आपका जो क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट होगा उसमें ये सारी डिटेल आएगी, और उसमें सारे बिल में ऐड होके ये सारी
ट्रांजेक्शन आपके आएंगे, जब भी आप अपना क्रेडिट कार्ड का बिल पे करेंगे तो आपकी ईएमआई पे हो जाएगी एक्स्ट्रा, आपको कोई भी यहाँ पे ईएमआई पे करने की ज़रूरत नहीं, जब भी आप अपना क्रेडिट कार्ड का बिल पे करेंगे तो ये ईएमआई पे हो जाएगी। तो इस टाइप से दोस्तों आप इजीली अपना, अगर आपके पास में आईसीआईसीआई बैंक का कोई भी क्रेडिट कार्ड है तो आप यहाँ पर लोन ले सकते हैं, वो भी एक लो इंटरेस्ट रेट पर विदाउट डॉक्यूमेंट। तो ये थी दोस्तों यहाँ पे सारी जानकारी, आई होप आपके वीडियो पसंद आया, वीडियो पसंद आया जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल पर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।